हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों भी सेनाओं के बीच जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि इन तीनों के बीच कितने कितने एक्सरसाइज होते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंडियन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी के बीच में कितनी एक्सरसाइज होती हैं। तो फर्स्ट नंबर में है संप्रीति एक्सरसाइज। ये संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, संप्रीति एक्सरसाइज। और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, और ये इंडिया और बांग्लादेश में जो 2019 में एक्सरसाइज हुई थी वो मेघालय में हुई थी, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अगला है अजय वैरियर एक्सरसाइज। अजय वैरियर जो है ये इंडिया और यूके के बीच होती है, इंडिया और यूके के बीच अजय वैरियर एक्सरसाइज। और अगला है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो ये हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और चाइना के बीच होती है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। मतलब कहा जाता है ना कि इंडिया और चीनी भाई भाई, तो इसीलिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है इंडिया और चाइना के बीच। और अगला है विंग राइडर एक्सरसाइज। ये जो है ये इंडिया में केवल इंडियन आर्मी के बीच में होती है, ये लोग अपनी शक्ति को जज करने के लिए, पावर को जज करने के लिए सिर्फ करते हैं, इसलिए सिर्फ ये इंडियन आर्मी की ही एक्सरसाइज है। और अगला है आयरन यूनियन ट्वेल्व। ये एक्सरसाइज जो है यूएई और यूके के बीच में होती है, यूएई और यूके के बीच में। ज़्यादा हमको इंडिया के बारे में ही देखना है, इंडिया से और अदर देशों से जो भी एक्सरसाइज होते हैं वही पूछा जाता है। और ये शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और जो 2019 में शक्ति एक्सरसाइज हुई थी वो राजस्थान में देखी गई थी। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र एक्सरसाइज। और अगला है सिंधु सुदर्शन। ये जो है इंडिया के बीच में होती है, इंडिया बताए थे ना कि इंडियन आर्मी अपने शक्ति को जज करने के लिए जो एक्सरसाइज किया करती है बीच बीच में, वही है इंडिया सिंधु सुदर्शन। और अगला है धर्मा गार्डियन। ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है, और 2019 में ये मिजोरम के बीच में हुई थी, मिजोरम में हुई थी ये इंडिया और जापान के बीच में। अगला है वज्र प्रहार। ये वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज। अगला है हिम विजय जो है वो भी इंडिया के बीच में होती है, बस केवल इंडियन आर्मी अपनी शक्ति को जज करने के लिए जो एक्सरसाइज करती हैं। अगला है यूकेरबियन जो है इंडिया और मालदीव के बीच में होती है, इंडिया और मालदीव के बीच में यूकेरबियन होती है, और 2019 में महाराष्ट्र में हुई थी। अगला है नोमैंडिया। ये जो है नोमैंडिया नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। और अगला है कजिंद एक्सरसाइज। ये जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है, कजिंद एक्सरसाइज नाम से ही कुछ पता चल रहा है, काक एक्सरसाइज नाम से ही याद हो जाती है, मतलब ये पूछा जरूर जाता है इसलिए हम बना रहे हैं इस पे वीडियो। और मैत्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, और 2019 में मेघालय में हुई थी। और युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था, और इसे याद रखना, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में। और अगला है
अगला है खरंगा प्रहार, ये भी ये सिर्फ इंडिया के बीच में हुई थी। इंडियन आर्मी अपनी शक्ति को जज करने के लिए बार बार एक्सरसाइज करती है ना, वही है। और अगला है बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये इंडिया और सिंगापुर में होता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। अगला है ए फाइंडेक्स 90, ये इंडिया और अफ्रीकन कंट्री के बीच में होता है, इंडियन और अफ्रीकन कंट्री जो भी हैं, मतलब कई सारी अफ्रीकन कंट्री है ना, तो उन लोग के बीच में होता है। और अगला है एक्सरसाइज अल नगा थर्ड, ये इंडिया और ओमान के बीच होती है, अल नगा, इससे पता चल जाएगा कि इंडिया और ओमान के बीच में होती है। अगला एक्सरसाइज है कोबरा गोल्ड, ये कोबरा गोल्ड जो है वो एशिया और पैसिफिक रीजन के बीच में होता है, मतलब एशिया में जितनी भी कंट्री हैं और पैसिफिक रीजन उसके बीच में होते हैं ये कोबरा गोल्ड। और ये तोपची एक्सरसाइज के बारे में हम लोग सुनते हैं ना ज़्यादातर, तोपची जो है बस इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है और नासिक में हुई थी 19 में। और अगला है इम्बैक्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है, हरियाणा में हुई थी 2019 में। अब हम देखो इंडियन आर्मी के जितने भी एक्सरसाइज थे वो सब हम देख लिए हैं, अभी नेवी के बाहर चलते हैं। इंडियन नेवी के बीच में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उसे हम देखेंगे। वैसे ज़्यादा एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की ही होती है और नेवी की कुछ हैं पर वो भी हम देख लेंगे। नेवी की मैं देखो माइल्स मिलन, ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया के बीच की है, ये इन लोग भी अपनी शक्ति को जज करने के लिए करते हैं, तो माइल्स मिलन। और अगला है मल्टा अभियान, ये भी जो है इंडियन आर्मी अपनी शक्ति को जज करने के लिए करती है। और सी गार्डियन जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में होती है, पता है ना नेवी जो है नौसेना को कहते हैं, तो पानियों के बीच में जो सी गार्डियन इसीलिए नाम है, इंडिया और चाइना के बीच में होती है, हमारी जो समुद्र में एक्सरसाइज होती होंगी महासागर वगैरह। और फिर सी ब्रिज ये इंडिया ओमान के बीच में होती है। और इमनेक्स जो है वो इंडिया म्यांमार के बीच में होती है। और भी एक्सरसाइज हैं, और अगला है सिलिनेक्स जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। और अगला है अडाम प्लस, ये जो है एशियन कंट्री के बीच में होती है, जितनी भी एशियन कंट्री हैं उनके बीच में होती है ये एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज है ये। सिम्बैक्स जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और सिटमैक्स जो है इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर तीनों देशों के बीच में होती है सिटमैक्स, तो सिटमैक्स इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होती है। और अगला है वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और आयुष इंडेक्स ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। और सी बिगिल जो है ये इंडियन नेवी अपनी शक्ति को जज करने के लिए करती है, तो बस वही है। और फिर है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। अगला है मालाबार एक्सरसाइज जो है सुनने में आता है न्यूज में, मालाबार एक्सरसाइज जो है ये जापान इंडिया और यूएस के बीच में होता है। और अब देखो इंडिया, हम बताए थे ना कि इंडियन नेवी के बीच में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होती, जितनी भी थी वो हो गई। अभी देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के बीच में कितनी भी एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज हैं दो चार उसको हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के बीच में। इंडियन एयरफोर्स के बीच में देखो सिनायु मैत्री जो है इंडिया और जापान के बीच में होती है। और गरुड़ा सिक्स जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और वायु शक्ति जो है इंडियन एयरफोर्स जो है अपनी शक्ति को जज करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। और फिर शाहीन एट एक्सरसाइज जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है, शाहीन एट। और उसके बाद टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में, तीनों जो सेना है, तीनों सेना और यूएसए की तीनों सेना, इन सब के बीच में होता है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। और अगला है अपहारा एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के बीच में होती है। और अगला है बुल स्ट्रिक, ये बुल स्ट्रिक एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स अपनी शक्ति को जज करने के लिए करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।